अगर आपका हड्डी टूटा, हड्डी टूट के बाहर निकल गया, चमड़ी फट गई और वो पक जा रहा है, घाव हो जा रहा है, तो क्या करें, क्या सावधानी रखना चाहिए, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17 साल से इस प्रोफेशन में वर्क कर रहा हूँ एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डियों का सफल ऑपरेशन किया है, 1,000 से ज़्यादा तो मैंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट केवल किए हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, जब हड्डी टूटता है तो ऐसा कितना बार तो होता है कि टूट के हड्डी चमड़ी फाड़ के बाहर निकल जाता है, और उसके कारण से भी घाव होता है, क्योंकि जब चमड़ी फाड़ के बाहर निकलता है तो बाहर की गंदगी को भी लेके वो अंदर जाता है और वहाँ से उसमें घाव बनने की संभावना होती है। या कितना बार तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके इंसिजन दिए और वही पक गया। तो ये चीज़ें होती हैं, और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके क्या कारण रहते हैं और क्या हम सावधानी रखें कि इस तरह की दिक्कत ना हो। तो एक तो सबसे पहला चीज़, अगर हमारा शरीर में देखें, अंदर में सब कुछ, कोई चीज़ पकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सब चीज़ अंदर का हर चीज़ स्टराइल है। स्टराइल मीन्स उसमें कोई भी ऐसे कीटाणु नहीं है जो घाव को पका सकें। ये घाव को पकाने वाले कीटाणु हमारे चमड़ी के बाहर ही। तो जब हमारा हड्डी टूटता है और टूट के चमड़ी फाड़ के बाहर निकल जाता है, जब बाहर निकलता है तो कितना बार तो ऐसा रहता है कि गंदगी रहती है, कितना बार रोड पे हो गया, धूल मिट्टी, कितना घास फूस, कितना बार तो पत्थर के टुकड़े तक अंदर घुस जाते हैं। तो एक्चुअली कितना बार ऐसा रहता है कि अगर आप ध्यान ना दिए या आपने किसी इसी तरह से कोई छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा दिया तो वैसे ही उसको टाका मार देता है, भले ही अंदर ही गंदगी है। तो सबसे यह है कि अगर आपको इस तरह का जख्म है तो इसको पूरा अच्छे से साफ करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। ऐसा तो हम लोग बोलते हैं कि कम से कम 3 लीटर वाटर, अगर कंपाउंड डून ले तो 9-9 लीटर पानी से उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, अच्छे से क्लीन होना चाहिए ताकि जो भी गंदगी है, कचड़ा है, बाहर निकल जाए और उसको अच्छे से धो दें, साफ कर दें। उसके लिए हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस भी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक को भी यूज़ करते हैं ताकि वो जख्म पके नहीं। लेकिन सबसे मेन है कि अच्छा थॉरो डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, साफ होना चाहिए। और कुछ कचरा है, जैसे अगर कुछ जैसे रगड़ खाया, कुछ गंदा चीज़, हमारा ही चीज़, अगर ये चीज़ों में गंदगी घुस गई तो जो कचरा है, जो मर गया चीज़ है, उसको निकालना भी पड़ता है, जिसको डिब्राइडमेंट बोलते हैं। अगर वो कचरा चीज़ को आप नहीं निकालेंगे तो अंदर रहेगा तो और गंदगी फैलाएगा। जैसे एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब की मछलियों को मार देता है, वैसे ही एक सड़ा हुआ मांस, एक सड़ा हुआ डैमेज आपका टिश्यू अगर शरीर में रह जाएगा तो बाकी भी टिश्यू को डैमेज करेगा। तो उसको अच्छे से क्लीन करके, क्लीन करना मैंने साफ करना, और डिब्राइड करना मैंने कचड़ा, जो अपने शरीर में जो कुछ गंदा चीज़ रह गया है, जो मरा हुआ चीज़ है, उसको निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। आप जाएँ और जस्ट उसमें टाका ऊपर से लगवा लेंगे तो वो पकेगा ही पकेगा जख्म, ये बात बिल्कुल पक्की है। दूसरा चीज़ कि कितना बार हम एंटीबायोटिक का भी डोज लेना पड़ता है ताकि जब हम इंसिजन दिए तो जो बाहर की जो कीटाणु हैं अंदर घुस के अपना बच्चा ना पैदा कर दे और जिससे पस तैयार ना हो जाए, तो ये चीज़ें से बचे। और इसके लिए आपको तो एक तो अच्छे से क्लीन करना है, साथ में एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है ताकि शरीर अगर कुछ छोटा मोटा कीटाणु अंदर घुसता भी है तो उसको मार दे बिफोर कि वो अपना बच्चा पैदा करे और वहाँ पे पस बना दे। तो एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है। तीसरा एक चीज़ है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने न्यूट्रिशंस को भी अच्छा रखना, क्योंकि अधिकतर समय जब चोट लगता है ना तो मरीज का खुराक भी गड़बड़ हो जाता है, खाना पीना अच्छा नहीं रहने से, क्योंकि सब कुछ तो खाने से ही होता है, सब ताकत खाने से ही मिलता है। अगर शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो कितना भी आप इंजेक्शन दे दें, कितना भी कुछ भी दे दें, वो कामयाब नहीं होता है, वो पक जाता है। तो आपका खुराक अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो आपकी इम्यूनिटी, आपकी ताकत ही वो जख्म को पकने नहीं देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिशंस, अगर ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घाव नहीं पकेंगे और उसमें गंदगी ना फैलाएं, सफाई रखें, तो बिल्कुल आपके घाव में ये होगा और आपका जो भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे फ्रैक्चर हुआ तो या टाके लगे, तो वो पकेंगे नहीं। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी तरह से आपको वैल्यू दिया और आप चाहते हैं हमारे से कोई कंसल्टेशन बुक करना, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कंसल्ट करके हमारे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री नहीं है, इसमें पेमेंट लगता है। आप चाहें तो हमारे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।